तो और भाई लोग क्या हाल है। तो लेके आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो, और आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं BGMI का टेस्ट, वो भी 16.5.1C वाले अपडेट पे। और देखते हैं कि इसमें BGMI परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। और इससे पहले मैंने उसका जो बैटरी का डेंट टेस्ट किया था 100 to 0% का, तो अगर आपको वो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो कि जो इसका बैटरी बैकअप है कितना है और ये कितने घंटे BGMI को चला देता है कंटिन्यू। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अभी भाई लोग मैं आपको दिखा देता हूँ, एक न्यू अपडेट 16.6 का आ चुका है, तो आप देख सकते हो। और अभी आप देख सकते हो 16.6 को मैंने इंस्टॉल अभी नहीं किया है, और इसको इंस्टॉल करूँगा और उसमें भी आपको BGMI की परफॉर्मेंस बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ कि कैसा रहने वाला है ये अपडेट। तो अभी आपको बैटरी हेल्थ दिखा देता हूँ। तो बैटरी हेल्थ तो 100% है, 4 महीने यूज़ करते हुए मुझे हो गया है, 4 महीने से ज़्यादा का ही टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और अभी भी इसकी बैटरी है वो पूरी 100% बनी हुई है। तो अभी अपना जल्दी से BGMI ओपन कर लेते हैं और फटाफट से जल्दी से पहले सैनो को मैच खेलेंगे। तो अभी हम सबसे पहले जो मैच खेलेंगे वो स्मूथ और एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग में रख के खेलेंगे। तो अभी जल्दी से अपना BGMI ओपन कर लेते हैं, और जब तक अपना BGMI ओपन हो रहा है तो भाई लोग तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि भाई लोग आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अभी हमारा BGMI ओपन होने वाला है, और जल्दी से BGMI ओपन करके सबसे पहले हम एक सैनो का मैच खेलेंगे, और उसके बाद हम एक नूसा का मैच खेलेंगे। और हमने अभी ग्राफिक्स को स्मूथ और एक्सट्रीम में लगा रखा है, तो जल्दी से एक नूसा का मैच चालू कर लेते हैं। और अभी बात करें इसके जायरो की, तो जायरो में हमें कोई भी डिले देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, और जब से मैं लिया है तब से कोई जायरो में प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे। और अभी आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको हॉनेस्टली बता दूं कि इसने अभी तक तो है ब्रैट ने ड्रॉप नहीं करी थी। अरे भाई नीचे गिरा दिया यार, नीचे नहीं आना था। अरे भाई तीसरा भी यही था, तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ तो मुझे भर दिया गया। और अभी जल्दी से अपना नूसा का मैप चालू कर लेते हैं। और बात करें इस मैच के बारे में, तो इसमें हमें कोई भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह या फिर बैटरी ड्रॉप अभी तो देखने को नहीं मिली थी। Awesome. भाई देख नहीं रहे हो मैं यार पंगा ले रहा हूँ बेटा, तुम सामने आ गए। निकल भाई पहली फुर्सत में, बहुत प्रो बन रहे थे, पता नहीं था DBS है मेरे पास। Awesome. Watch out. अब इसको पहले फिनिश डालूंगा मैं। थैंक यू। लोकेशन। तो भाई 4 नंबर की पता नहीं क्या ही नशे हैं यार, मेरे को यहीं पे रिवाइव देना चाहिए था। पता नहीं यार कौन सी काली गुफाओं में बुला रहा है मेरे को, तब तक वही बंदा आके मार देगा मेरे को। तो गेम प्ले या तो ख़त्म हो जाता है। और बात करें ब्राइटनेस ड्रॉप की, तो इसने ना इसमें भी ब्राइटनेस ड्रॉप बिल्कुल नहीं करी थी, और ना ही हमें इसमें कहीं पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला, तो ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं हुई थी इस बार। और हमने 2-3 गेम खेले थे, ज़्यादा गेम भी नहीं खेले मैंने। और अभी देखते हैं कि पीछे जो कितना ज़्यादा हीट हो गया है। तो पीछे की साइड जो यहाँ पर ना कैमरा की जस्ट नीचे एप्पल के लोगों के साइड में थोड़ा सा हीट हो गया था, बाकी कॉर्नर पे तो पता भी लगता भी नहीं है कि हमने गेमिंग करी है। चाहे आप 1 घंटे गेमिंग करो चाहे 2 घंटे गेमिंग करो, वहाँ पे हीट नहीं होता है। और अभी बात करते हैं कि इसको बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो भाई लोग मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ ना, कि आप जो ओल्ड हो गया रिफर्बिश्ड हो गया उन पर ज़्यादा भरोसा मत करना। अगर बाई करना है तो एक बार चेक करके लेना, और अगर आपको मिले अगर बिग विलियन डे सेल में अंडर 28K के, तो एक अच्छी डील होगी, आप बाई कर सकते हो।
तो अभी भाई लोग आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।